हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बानसूर। ओके, एंड लेट्स कंटिन्यू द अनदर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस लेट्स कंटिन्यू अबाउट द टार्क रिएक्शन। सो बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू दैट व्हाट हैपन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच। इट मीन्स सम एसिमिलेटरी पावर्स आर फॉर्म्ड। ओके, एंड दीज एसिमिलेटरी पावर्स आर यूटिलाइज्ड नाउ इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होती कहाँ है? स्ट्रोमा रीजन में होती है क्लोरोप्लास्ट के, वेयरएज जो लाइट रिएक्शन थी वो ग्रेना रीजन में होती है। ठीक है, स्ट्रोमा रीजन में डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। एंड डार्क रिएक्शन गिवन बाय द ब्लैक मैन। ओके, बट इसमें जितने भी आगे के जो भी टास्क हुए हैं कि कैसे कार्बन का रिडक्शन होता है वो किसने किए थे? वो कैल्विन और उसके कोवर्कर्स ने किए थे। इज दैट क्लियर? देखिए, डार्क रिएक्शन में होता क्या है, जो भी पावर जनरेट होती है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन दे यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन और रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स इस प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होगी? सुगर की फॉर्मेशन होगी। इज दैट क्लियर? यानी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो हम बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन पढ़ते हैं कि 6CO2+12H2O एंड इट गिव राइज टू द C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर, दैट इज नॉट सो इजी एज इट इज विजिबल, बट इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। उसमें अभी तक हाफ पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है और अब क्या होगा? अब उसकी फॉर्मेशन होगी। इज दैट क्लियर? यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस होगा और शुगर की फॉर्मेशन होगी वो इसमें होती है। इज इट क्लियर? अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये वेरियस स्टार्च या डिफरेंट पाथवे के थ्रू होती है, जिसमें एक है आपकी केल्विन बेंसन साइकिल और दैट इज नोन एज C3 साइकिल। दूसरा जो स्टेप है वो है C4 साइकिल और दैट इज नोन एज हैच स्लैग साइकिल। एंड थर्ड वन इज कैम पाथवे, क्रुसलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल वॉज गिवेन बाय द केल्विन और कोवर्कर्स। इज दैट क्लियर? दे गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर दैट। अब उन्होंने प्रूफ कैसे किया? तो देखे, जो इन्होंने CO2 इसमें यूज की वो कैसे थी? आइसोटोपिक थी। इन्होंने लिया C14O2। आइसोटोपिक आपको पता है, आइसोटोपिक कार्बन थी ये। इज दैट क्लियर? इससे हुआ क्या, इन्होंने यूटिलाइज किया और इन्होंने देखा कि थ्रू द पाथवे जो फॉर्मेशन होती है वो इसी से होती है। इज इट क्लियर? यानी आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ये जो किया था एक्सपेरिमेंट वो क्लोरेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किया था। इज इट क्लियर? एंड दे फाउंड दैट ड्यूरिंग दिस साइकिल वन स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दैट इज ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और वो कौन सा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या था वो? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको C3 साइकिल का नाम दिया गया था। अंडरस्टैंड? बिकॉज पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना था वो कौन सा बना था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इज दैट क्लियर? चलिए अभी साइकिल को हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो देखिए, इसका जो प्राइमरी कंपाउंड था दैट इज RUMP, राइबोलूज मोनोफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? राइबोलूज 5-फॉस्फेट। अंडरस्टैंड? ये इसका पहला कंपाउंड था। तो कुछ स्टेप्स हैं इसमें, मेनली 3 स्टेप से मिलके बनी होती है ये। फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रिओरिजन। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले RUMP, इसका मेन पहला जो स्टेप है वो है फॉस्फोराइलेशन। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बट अब है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो क्या है? RUMP, राइबोलूज मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन यानी डिसोसिएशन हो रहा है ATP मॉलिक्यूल्स का। 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, पूरी साइकिल की बात है। वैसे ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। ओके, और टोटल मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसमें क्या होगा? 6 ATP का डिसोसिएशन होगा जिससे कि फॉस्फेट रिलीज होगा और वो फॉस्फेट इसके साथ कंबाइन होगा RUMP के साथ, मोनोफॉस्फेट के साथ। और जब वो कंबाइन होगा तो वो क्या रिलीज करेगा? RUBP।
बीपी मीन्स बाई फॉस्फेट, इससे पहले एक फॉस्फेट ग्रुप था, इज दैट क्लियर। अब क्या हुआ, जो एटीपी के डिसोसिएशन से हमें फॉस्फेट ग्रुप मिला वो फॉस्फेट ऐड हुआ आरयूएमपी के साथ और किसकी फॉर्मेशन हुई, आरयूबीपी रिबोलूज बाई फॉस्फेट, ओके 16 बाई फॉस्फेट। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है कार्बोऑक्सीलेशन, क्लियर है। ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी, ओके 6 CO2 प्लस इसमें वाटर की भी एडिशन होती है। अब जब ये कार्बोऑक्सीलेशन वाला प्रोसेस होता है तो इसमें एक अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का था, किसका था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का। हालांकि इस अनस्टेबल कंपाउंड को हम इसमें शो नहीं करते हैं रिएक्शन में, बट कार्बोऑक्सीलेशन प्रोसेस से एक कार्बन और ऐड हो जाती है, यानी 6 RUBP के साथ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड हो गए और क्या बन गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज अनस्टेबल, ओके। तो हम उसको शो नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है इसको शो, इज इट क्लियर। बट ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। अब हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड आया ऑन द सेम स्पॉट वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ओके और यहाँ पे बनेंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बना था वो 6 कार्बन का बना था, अब 6 कार्बन अगर डिसोसिएट होंगे पीजीए में तो पीजी के पास कितने कार्बन है, 3, तो एक जो मॉलिक्यूल है वो 2 पीजीए बनाएगा, यानी यहाँ पे 6 जो कार्बन मॉलिक्यूल के कंपाउंड है उससे 12 पीजीए मॉलिक्यूल बन गए, इज दैट क्लियर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, क्या होता है ये, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इज दैट क्लियर, सो इट इज नोन एज द C3 साइकिल। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज सेकेंड फॉस्फोरिलेशन, यानी यहाँ पे फिर से फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होगी और ये क्या बन जाएगा, पहले यहाँ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ओके। उससे अगला जो स्टेप है वो है रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड है, ओके ग्लिसरिक एसिड है तो एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो मिलेगा ग्लिसरल्डिहाइड, और इसके ड्यूरिंग जो भी हाइड्रोजन और जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगा वो बनाएगा 12HCPO4, ये कंपाउंड भी इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी थर्ड स्टेप ऑफ अगेन सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में वापस एटीपी की क्या होगा, डिसोसिएशन स्प्लिटिंग होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ये फॉस्फेट कंबाइन होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ, वो 12 मॉलिक्यूल्स है अभी, ओके 3 कार्बन एटम का है। उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस में हमें मिलेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इज दैट क्लियर, और ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी यहाँ पे एच का इस्तेमाल हो रहा है तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये आइसोमराइजेशन से DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, अंडरस्टैंड। इससे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो टोटल 12 मॉलिक्यूल बने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स तो कहाँ यूज हो जाएंगे, रिवर्स ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में, रिवर्स ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में यूज हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे ग्लूकोज सिर्फ फ्रुक्टोज और वॉट एवर जिसकी भी शुगर की फॉर्मेशन हो जाएगी वो कहाँ यूज हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ग्लाइकोलिटिक साइकिल में, और बाकी जो बचे आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स वो कहाँ यूज होंगे, वो यूज होंगे रीओरिजन ऑफ RUMP में, इज दैट क्लियर। यानी यहाँ पे देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ये 3 मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूल्स का एक कंपाउंड बनाएंगे, इसके बाद ये डिसोसिएट होगा, इट मीन्स यहाँ पे सूडो हैप्टुलेज की फॉर्मेशन होगी, सूडो हैप्टुलोज, ये सूडो हैप्टुलोज की फॉर्मेशन होगी इन बिटवीन, इज दैट क्लियर, ये हम आगे रिएक्शन में और भी क्लियरली कर लेंगे, ओके। और वो सूडो हैप्टुलोज फिर डिसोसिएट होगा 5 जैलुलोज, या इसका आप आइसोमर कह सकते हैं 5 फॉस्फेट राइबोज शुगर, और यहाँ से फिर इसकी RUMP की ओरिजन हो गई, यानी फिर से वो रीओरिजन हो गया साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, इज दैट क्लियर। अगर हम देखें एक स्टेप में करते हैं कि एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल कार्बन का, तो इस तरह से क्या होता है 6 बार साइकिल को रोटेट होना पड़ता है, इज दैट क्लियर,
तो छह मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, यानी हमें बनाना क्या है, C6H12O6, तो साइकिल को कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा, 6 टाइम, इज दैट क्लियर। तो वो टोटल आपको हमने एक वे बता दिया कि भाई 6 एटीपी का डिसोसिएशन यहाँ हो रहा है, 12 एटीपी का डिसोसिएशन यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे NADPH प्लस एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, इज दैट क्लियर बेटा। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, दिस इज द C3 साइकिल, अंडरस्टैंड। इसकी कुछ रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे, ओके। सो हैव ए गुड डे। इसमें देखिए खास बात ध्यान रखने की यही है कि इसका पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और इसी वजह से इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। मेन स्टेप क्या है, फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, कार्बोऑक्सीलेशन, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, रिडक्शन एंड रीओरिजन ऑफ द RuMP। इज दैट क्लियर बेटा, ओके, टेक केयर, हैव ए गुड डे, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट द वीडियो, ओके, बाय।